दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 28 सितंबर का दिन है और आप सभी को दर्शन कराने के लिए मैं हर की पैड़ी की ओर लेकर चलता हूं। अभी मैं हाईवे में हूं और भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए आप सभी। ये हरिद्वार दिल्ली हाईवे है, ये देखिए, और यहां पर भोलेनाथ जी के आप दर्शन करें और थोड़ी देर में आप सभी को लेकर हर की पैड़ी के प्रमुख घाट तक चलेंगे और वहाँ पर अच्छे से दर्शन कराएंगे, गंगा जल के अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम लगातार हरिद्वार की वीडियो लाते रहते हैं और यात्रा की सभी अपडेट जो है आप तक पहुँचती रहेगी। हरिद्वार दिल्ली हाईवे के दृश्य आप देख सकते हैं। यह है पंथदीप पार्किंग, बहुत सारी बसें जो हैं पंथदीप पार्किंग से मिल जाती हैं। अगर आपको एमपी की ओर जाना है, राजस्थान की ओर जाना है, हरियाणा की ओर जाना है, तो यहाँ से आपको आसानी से बसें मिल जाएंगी और बहुत सारी बसें और आपको दिखेंगे भी। और उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा टैक्सी स्टैंड है जहाँ पर अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं और यहाँ से आसानी से आप पैदल हर की पैड़ी तक जा सकते हैं। देखिए बहुत सारी बसें यहाँ पर पार्क होती हैं, अलग अलग स्टेट की जो प्राइवेट बसें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप स्लीपर बस भी बुक करना चाहते हैं तो यहीं से ज़्यादातर बसें जो हैं बनकर चलती हैं। और देखिए आगे कार पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी। सीजन के समय तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता, जबकि बहुत बड़ी ये पार्किंग है। थोड़ी देर आप लोग इंतज़ार करें और मैं कुछ ही देर में हर की पैड़ी पहुंच जाऊंगा, वहां से आपको अच्छे से दर्शन कराऊंगा। देखिए इस तरफ कितनी बसें खड़ी हैं। यहां से गंगा जी के दर्शन कर लीजिए और इस धारा में आज जल का बहाव काफ़ी कम नज़र आ रहा है। मौसम की बात करें तो आज मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और कुछ देर पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और मौसम तो कुछ इस तरह है जैसे कि कभी भी बारिश जो है शुरू हो सकती है। और यहाँ से हर की पैड़ी भी आपको नज़र आ रही होगी। देखिए ये हर की पैड़ी है और थोड़ा सा समय लगेगा, इस रास्ते से होते हुए हम हर की पैड़ी पर पहुँचेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि आपको अलग अलग जगह के रास्ते दिखाए जाएँ ताकि आसानी से आप लोग हर की पैड़ी पहुँचें, या पार्किंग में अगर आप आना चाहते हैं तो पार्किंग में भी आ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, गंगा जी के दर्शन करें और दूसरों को भी दर्शन कराएं। आज हर की पैड़ी में भी जो गंगा जल है वो काफ़ी कम होगा, हम वहाँ पर आपको ले चलेंगे और वहाँ से अच्छे से दर्शन भी कराएंगे। दोस्तों अगर आप लोग टॉय ट्रेन की वीडियो देखना चाहते हैं, जो सफ़र हमने कुछ दिन पहले किया था कालका से शिमला का सफ़र, तो वो वीडियो जो है मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में आ चुकी है। आप लोग मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में विजिट करके कालका टू शिमला टॉय ट्रेन का पूरा सफ़र देख सकते हैं और टिकट कैसे बुक करनी है उसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में हमने दी है। कालका से शिमला का जो टॉय ट्रेन का सफ़र है ना, सच में बहुत सुंदर सफ़र है, बहुत ही अच्छा लगा था उस सफ़र को। और मैंने हर एक जगह को, हर एक प्लेस को कवर करने के लिए कोशिश की है, सभी स्टेशन भी दिखाए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेशन है कालका टू शिमला टॉय ट्रेन जो चलती है, तो आप लोग उस वीडियो को देखना, बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए ये छोटी सी मार्केट पड़ती है और उसके बाद ये जो सामने पुल नज़र आ रहा है, इस पुल से जैसे ही आगे बढ़ेंगे हर की पैड़ी आप सभी को नज़र आने लगेगी। अब हम पुल के ऊपर आ चुके हैं, ये लगभग 70-80 मीटर का पुल होगा, सबसे बड़ा यही पुल है हर की पैड़ी में। बस कुछ ही सेकंड में आप सभी को हर की पैड़ी के सबसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे।
और काफ़ी ज़्यादा संख्या आज देखने को मिल रही है। हर की पैड़ी में मौसम तो सुहाना है और उसके साथ साथ श्रद्धालु की संख्या भी देखिए कितनी ज़्यादा संख्या है। आज अच्छे खासे श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। आपको पता है आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, दर्शन करें सभी लोग। और यहाँ पर गंगा मैया की देखिए सुंदर सी प्रतिमा, आप लोग जय गंगे माता लिखें। देखिए माँ गंगे की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, दर्शन कर लीजिए। जय माता दी, जय गंगे माता। अब हम कह सकते हैं कि मैं हर की पैड़ी के खास घाट तक पहुंच चुका हूं, यहां से आप सभी को अच्छे से दर्शन होंगे। दोस्तों अगर आप ऐसे ही लगातार दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पर हम लगातार वीडियो अपलोड करते हैं। ये सामने जो मंदिर है इसका सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। देखिए ऊपर का जो टाइल्स लगा था वो निकाला जा रहा है, इस मंदिर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाया जाएगा। श्री गंगा माता का मंदिर है। दर्शन करें सभी लोग। आज फिर से एक बार गंगा जल में रेत की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ रही है, अच्छी खासी ज़्यादा गंगा जी की में रेत की मात्रा नज़र आ रही है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप हरिद्वार आएं गंगा जी को गंदा नहीं करना है, ना ही घाट को गंदा करना है। पुराने कपड़े, पन्नी, रैपर्स, ये सभी आपको घाट पे नहीं छोड़ना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप यहाँ आएंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तो यात्रा का आपको फल मिलेगा। आप देख रहे होंगे आज गंगा जल जो है काफ़ी कम है, बीच धारा में आसानी से लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन इतना जल है कि आसानी से आप लोग स्नान भी कर सकते हैं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। ये है मालवी घाट और इस तरफ है महिला घाट। अभी हम आपको ब्रह्मकुंड घाट की ओर भी ले चलेंगे और वहाँ के सुंदर दृश्य आपको दिखाएंगे। आज आप देख रहे होंगे सभी घाटों में अच्छी खासी श्रद्धालुओं की संख्या नज़र आ रही है। अगर आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इन दिनों ऐसे भी चार धाम यात्रा पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खास तौर पर केदारनाथ धाम में तो अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम ठीक हुआ था लेकिन बीच बीच में बारिश वहाँ भी हो जा रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आपके सामने है ब्रह्मकुंड घाट, सबसे मेन घाट है, सबसे खास घाट है, जिसका इतिहास बहुत ही महत्व रखता है। कह सकते हैं ये जो घाट है ना, ये सबसे मेन घाट माना जाता है। और जब कुंभ होता है ना तो ज़्यादातर जो संत महात्मा हैं इसी घाट पर स्नान करते हैं। आइए थोड़ा सा गंगा जल के पास चलते हैं और पास से आपको सुंदर दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों आप घाट पर देख रहे हैं बहुत सारी पन्नियाँ आपको नज़र आ रही हैं। लोग पन्नियाँ लेते हैं, बैग रखते हैं, कपड़े रखते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं और बैग लेकर निकल जाते हैं, पन्नियों को घाट पर वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें भाई, सफाई रखेंगे ना तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। आप यहाँ पर घाट को गंदा करेंगे तो फिर आपका यात्रा व्यर्थ है, समय व्यर्थ है, पैसा भी आपका बेकार जाएगा। अब मैं आपको गंगा जल के पास ले चलता हूँ और गंगा जल में जो रेत नज़र आ रही है वो आप लोग देख सकते हैं, अच्छी खासी रेत की मात्रा नज़र आ रही है। और देखिए पुराने कपड़े जो लोग
गंगा जल में फेंक देते हैं ना स्नान करने के बाद, बहुत शान से कपड़े फेंकते हैं, मैंने देखा है, तो वो कपड़ों का ये हाल हो जाता है, ये सब फंस जाते हैं और फिर देखियो कितना गंदा लगता है देखने में। तो ये सब काम ना करें। आइए आपको बड़ी धारा के दर्शन कराते हैं। घंटाघर घाट के दूसरी साइड जहाँ पर बड़ी धारा है वहाँ के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करें और शेयर तो जरूर करना है, आपका शेयर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके शेयर करने से ही दूसरे लोग दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है जो लोग हरिद्वार नहीं आ पा रहे हैं उन्हें घर बैठे ही दर्शन कराया जाए। और अचानक देखिए धूप भी आने लगी है, मौसम इतना अच्छा हो रहा था लेकिन अब धीरे धीरे मौसम खुल रहा है और धूप आने लगी है। अब चलते हैं शिव, जो सामने संजय पुल है, संजय पुल में खड़े होकर आपको दर्शन कराएंगे। देखिए सामने नाई घाट के सुंदर नज़ारे आपके सामने हैं। आज आपने नोटिस किया होगा जितने भी घाट हैं ना, सभी घाटों में अच्छी खासी श्रद्धालुओं की संख्या नज़र आ रही है। आइए अब आपको मनसा देवी मंदिर दिखाते हैं, क्योंकि संजय पुल में खड़े होकर मनसा देवी मंदिर के बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर आप गौर करके देखें, ये है मनसा देवी मंदिर, दर्शन कर लें। जय माता दी, जय मनसा देवी, सभी लोग लिखेंगे। अब हर की पैड़ी के सबसे सुंदर नज़ारे आपको दिखाएंगे। ये देखिए सबसे सुंदर दृश्य आपके सामने हैं, दर्शन कर लीजिए, समस्त हर की पैड़ी आपको नज़र आ रही होगी। अगर आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा करना चाहते हैं और आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है रिप्लाई करने में लेकिन जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए और जब भी ज़रूरत हो आप मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं। आइए थोड़े से मार्केट की ओर के हम आपको दृश्य दिखाते हैं, मार्केट के साइड के भी सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। आज देखिए मार्केट में भी पूरी चहल पहल है, रौनक है, काफ़ी भीड़ है। सीधे रास्ते, इसी रास्ते से आप चले जाएंगे तो आप अपर रोड की मेन मार्केट में पहुंच जाएंगे और उसी मार्केट में चलते चलते आप मनसा देवी जो सीढ़ी वाला मार्ग है, मनसा देवी जो रोपवे वाला मार्ग है, दोनों मार्ग आ जाएंगे। ये जो गेट है ना, ये जाता है ब्रह्मकुंड घाट के लिए। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं से हम समाप्त करते हैं, उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से दर्शन हो गए होंगे और वीडियो को शेयर कर देना और लगातार ऐसे ही वीडियोस देखना है तो आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।